हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन विद एन आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। सो हमने कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप पढ़े थे, उसमें से थर्ड पॉइंट था हमारा कि ऐसे यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसमें आर्गुमेंट तो होते हैं बट वो कोई रिटर्न वैल्यू जनरेट नहीं करता है। तो इसको लिखने का टाइप हमारा कैसा रहेगा? आपको पता है यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है? सो सबसे पहले लिखा जाता है यहाँ पे आपका रिटर्न टाइप, फिर यहाँ पे होता है आपका फंक्शन का नाम, और यहाँ ब्रैकेट में होते हैं आपके आर्गुमेंट्स, राइट। इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को लिखते थे, ये इसका एक नॉर्मल सा सिंटेक्स है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंक्शन विद एन आर्गुमेंट, मींस आर्गुमेंट है तो ये वाला पार्ट इसमें होगा, और नो रिटर्न वैल्यू मींस ये जो रिटर्न टाइप है यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, वॉइड। नो रिटर्न वैल्यू मतलब वॉइड ही वहां पे लिखा जाता है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इस टाइप के फंक्शन को? सपोज एक सम नाम का फंक्शन हम इसके अकॉर्डिंग जनरेट करें तो कैसे लिखा जाएगा? सो उसको लिखने का तरीका होगा, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वॉइड। सपोज फंक्शन का नाम है सम और ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आएंगे। अब हमने क्या लिखा है, फंक्शन विद एन आर्गुमेंट, तो इसके अंदर हमारे आर्गुमेंट हो सकते हैं मान लीजिए एक्स एंड वाई, इस तरह से। तो ये एक फंक्शन हमारा बन चुका है जो आर्गुमेंट तो यहाँ पे ले रहा है। आर्गुमेंट हमारे यहाँ पे कौन से हैं, एक्स और वाई, बट ये रिटर्न वैल्यू कुछ भी जनरेट नहीं करेगा। तो इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर रही हूँ, फंक्शन विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। सपोज मैं सम नाम का फंक्शन बना रही हूँ तो इस क्या लिख दूंगी मैं, सम, और फंक्शन है तो इसके आगे आ जाएगा पैरेंथेसिस। यहाँ पे मैं फंक्शन डिक्लेरेशन करने वाली हूँ, राइट। अब इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है तो क्या लिखा जाएगा, वॉइड, और ये कुछ आर्गुमेंट ले रहा है। आर्गुमेंट हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर। तो सम के लिए आपको मिनिमम टू नंबर चाहिए होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंट एक्स और इंट वाई। सो यहाँ पे आप कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं बट मैं यहाँ पे दो इंटीजर्स का सम करा रही हूँ। तो ये मेरा फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड और ये आर्गुमेंट ले रहा है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे आपका मेन फंक्शन। अब इसके अंदर हम दो इंटीजर ले लेते हैं इंट ए कॉमा बी, और यहाँ पे हम लिख लेंगे यूजर के लिए एंटर एनी टू नंबर्स, राइट, इस तरह से। और स्कैन एफ, अब हम एक ही लाइन में भी एंटर करवा सकते हैं दोनों नंबर। एक परसेंटाइल डी ये किसके लिए है, ए के लिए, और एक परसेंटाइल डी में लिख रही हूँ बी के लिए। पहला नंबर तो कहाँ स्टोर होगा, ए में, और जो दूसरा नंबर है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, बी में, इस तरह से। तो एट लाइन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर आपके एंटर हो चुके हैं और स्टोर हो चुके हैं ए और बी में। अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने नंबर तो ले लिए, ये नंबर किसमें पास होंगे, एज एन आर्गुमेंट हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन में। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है, सम, और हमारे आर्गुमेंट क्या है, ए कॉमा बी। तो ये मेरी क्या हो चुकी है यहाँ पे, फंक्शन कॉल, राइट। और यहाँ पे मैं कर दूंगी कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पे मैं देने वाली हूँ फंक्शन डेफिनेशन। तो यहाँ पे 11th लाइन क्या होगी, सेम थर्ड लाइन की जैसे लिखी जाएगी, void sum int x कॉमा int y। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, फंक्शन डेफिनेशन, राइट। अब हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि क्या काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, अब देखिए जो 9th लाइन में a है, राइट, तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख देती हूँ इंट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ए की वैल्यू थी,
और इंट वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो आपकी बी की वैल्यू है, राइट। जो आपका ए था वो किसमें स्टोर हो जाएगा, इंट एक्स में, और जो आपका बी था वो किसमें स्टोर हो जाएगा, इंट वाई में, राइट। तो अब जो सम कराएंगे वो किसका होगा, एक्स और वाई का, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे इंट सी सम कराने के लिए एक्स प्लस वाई, और यहीं पे मैं इसे प्रिंट भी करा देती हूँ, प्रिंट एफ सम इज परसेंटाइल डी, और यहाँ पे सी में हम सम स्टोर करा रहे हैं, और कर्ली ब्रेसेस आपके क्लोज। तो अभी पहले से हम सेव कर लेते हैं, अब इसे रन करा के देख लेते हैं पहले। एंटर एनी टू नंबर्स 3 एंड 4, तो यहाँ पे आ चुका है आपका 7। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन कॉल हो रही है किसके अंदर हो रही है, मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन हमारा कैसा फंक्शन है, दिस इज अवर कॉलिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा कॉलिंग फंक्शन कौन है, मेन, राइट। इसने जो आर्गुमेंट लिए थे ए और बी, वो किसको भेज दिए हैं 9th लाइन में, सम नाम के फंक्शन को। इंट एक्स की जगह ए जाएगा, और इंट वाई की जगह कौन जा चुका है, बी, जो कि 3 और 4 मैंने अभी एंटर करवाई थी। अब यहाँ पे देखिए 11th लाइन में इंट एक्स हो गया 3 और इंट वाई हो गया 4, तो यहाँ पे ये सम होगा, और 15th लाइन में प्रिंट हो जाएगा आपका जो सम था 7, राइट। तो सारा काम इस फंक्शन के अंदर हुआ है। तो यहाँ पे इस फंक्शन ने एडिशन करा के वापस इस कॉलिंग फंक्शन को कुछ भी नहीं दिया है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट तो ले रहा है बट कॉलिंग फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। अगर ये 15th लाइन है, तो अगर सम हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाते, और अगर 9th लाइन के बाद हम सम प्रिंट कराते, तो क्या होता, ये जो सम नाम का फंक्शन हमने बनाया है, ये वैल्यू कैलकुलेट करके इसको देता मेन फंक्शन को, जो कि हमारा कॉलिंग फंक्शन था। उसको हम कहते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, जो कि हम पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, फंक्शन जो कि आर्गुमेंट तो ले चुका है बट रिटर्न वैल्यू कोई भी जनरेट नहीं कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। Hope you understand this concept. So, thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe my channel.